तो मैं आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि श्री वृंदावन बालाजी देवस्थान के रूप में आज ये विश्व का अनूठा मंदिर श्री वृंदावन धाम की भूमि पर अब कुछ ही क्षण के बाद जिसके पट खुलने वाले हैं हमारे आदरणीय महामहिम राजमंडलेश्वरों के साथ, ये श्री वृंदावन बालाजी देवस्थान का जो मंदिर है ये विश्व में अनूठा इसलिए है क्योंकि श्री हनुमान जी यहां पर अपने सभी पांचों भाइयों के संग विराजित हुए हैं। भगवान श्री वेद व्यास जी ने ब्रह्मांड पुराण के अंदर भगवान श्री हनुमान जी के परिवार का विस्तार से वर्णन किया और वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि अंजना जी के गर्भ से सर्वप्रथम जगत के प्राण स्वरूप श्री हनुमान जी प्रकट हुए। पांच भाइयों का प्राकट्य हुआ, गतिमान, मतिमान, श्रुतिमान, धृतिमान और केतुमान। इनमें श्री हनुमान जी आदि ब्रह्मचारी हैं, परंतु उनके पांचों भाइयों के विवाह हुए हैं। मैंने पहले ही कहा कि आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के अवसर पर ही डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक, जो हनुमान जी के परम भक्त और हनुमान जी के विशेषताओं का जो वर्णन करते हैं, वो कहने के बाद भी करते हैं कि छोटी सी छोटी बातों पर, छोटी सी छोटी बातों का भी इतना महत्व होता है, उसको लोगों के बीच में बताने का प्रयास करो। मानो इनको स्वयं हनुमान जी का निर्देश प्राप्त होता है। मैंने हनुमान चालीसा के बारे में जब ये वर्णन कर रहे थे तो उसको मैंने सुना है। हनुमान जी जिनके बारे में कहा गया है, मनोजम मारुतम वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वाताध्वजम बालर समुखम श्राम गुप्तम शरणम प्रपद्ये उलंग सिंधो सकम श्रीलम हनुमान जी की महिमा, उसके बारे में वर्णन करना वो तो शब्दातीत है, शब्द के बाहर है। हनुमान जी सर्वत्र व्याप्त रहते, चिरंजीव है। भगवान राम ने कहा था जहां जहां भी राम कीर्तन होगा, राम की चर्चा होगी, वहां तो विद्यमान रहोगे। और इसने कहा है तो चिरंजीव है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम सत्यते चिरंजीवी नाम। ये लोग चिरंजीवी यहां भी विद्यमान, यहां भी किस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे, कैसे हो रहे, साक्षात कुछ साक्षी है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मुझे इन्होंने हनुमान चालीसा स्तंभ उसका लोकार्पण करवाया, अनावरण करवाया। स्तंभ पर पूरी हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा पूरी चौपाइयां और शब्द मानो बोल रहे, शब्द को लिखित नहीं है, शब्द उस स्तंभ पर सजीव है। वहां जाने के बाद जो भी व्यक्ति वहां खड़ा होगा उसके सामने उसके हृदय के अंतर्गत विद्वान हनुमान चालीसा का वो शब्द मानो उसके अंतर्गत आ रहा है, अंतर्निहित हो रहा है और उसे वो व्यक्ति स्वयं को अपने को पवित्र मानकर हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हो रहा है। इन्होंने साबित किया है, यह तो इस पवित्र धरा का पुण्य है। इस धरा पर जो भी आता है वो स्वयं अपने को यहां की सकारात्मकता से आक्रमित पाता है, उसके अंदर नकारात्मकता नहीं रहती है, वह नकारात्मकता स्वयं समाप्त हो जाती है। जो ब्रज की धरती है, बाकी बिहारी की धरती है, बाकी बिहारी की धरती में नकारात्मकता तो आ ही नहीं सकती, राजसी प्रवृत्ति सब समाप्त हो। और ये स्थल प्रकार का
और इस स्थल को बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती है। अभी बताया गया राधा कृष्ण पाठक जी, डॉक्टर अमराज कृष्ण पाठक जी नीम करोड़ी बाबा के भक्त हैं। नीम करोड़ी बाबा का ही ये प्रसाद है, उन्हीं की प्रेरणा है। हमारे एक संत महाराज ने ये कहा कि जो नीम करोड़ी बाबा नहीं कर पाए वो अनुराग कृष्ण पाठक ने किया। मैं उसे दूसरे रूप में नहीं था, मैं उसे लेता हूं कि नीम करोड़ी बाबा ने प्रेरणा प्रदान की, अनुराग मेरे काम करो, अनुराग कृष्ण पाठक जो काम करो, उनकी प्रेरणा से ही ये सारे कार्य हो रहे हैं और निरंतर होते जा रहे हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं राधा अनुराग कृष्ण पाठक इस दिशा में आगे बढ़े और इसी प्रकार सकल सकारात्मकता की स्थिति निर्माण करते हुए जहां जहां जाए लोगों के आकर्षण का केंद्र बने, स्वयं हनुमान के स्वरूप साक्षात प्रकट करने में अपने वाणी के माध्यम से ये समर्थ हो सके, यही अनुश्चय से प्रार्थना करते हुए, हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए, आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही बहुत खुश हूँ मैं इस मामले में, क्योंकि मैं भी हनुमान भक्त हूँ और आज अनुराग जी मुझे यहाँ निमंत्रण देना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज हनुमान जी के उनके जन्मोत्सव पर इस मूर्ति का स्थापना होना बहुत ही उसका मान्य होता है और यहाँ पे ब्रिज लोगों को लिए मैं सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ इस पुण्य धरती में। जय राधे राधे श्याम। तो सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे हनुमान जी होते हैं वहाँ कोई कष्ट या कोई दुख कुछ भी नहीं रहता है। तो हनुमान जी के आज इस भव्य मूर्ति स्थापना होने के बाद मैं सभी ब्रिजवासियों को मैं कहना चाहती हूँ कि सब खुश रहें।